हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों को डायपर रैश होते क्यों हैं और कैसे जल्द से जल्द डायपर रैश को ठीक किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों को डायपर रैश कितना परेशान करते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, बच्चे बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे डायपर रैश को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों को डायपर रैश होते क्यों हैं। तो इसके तीन मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है, बच्चे को डायपर पहनने से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जिसकी वजह से उसे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। सेकेंड रीज़न है, बच्चे ने यूरिन या पॉटी पास करी है जो हमने काफ़ी देर तक डायपर चेंज नहीं किया है जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया है और उसे रैशेज़ हो रहे हैं। और थर्ड रीज़न है कि जो डायपर हम यूज़ कर रहे हैं वो बच्चे को सूट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से भी बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर बच्चे को डायपर रैश हो गए हैं तो कैसे बच्चे की केयर करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि उस समय जब डायपर रैश हो गया है, बच्चे को डायपर मत पहनाइए। नॉर्मल कॉटन की उसे नैपी पहनाइए या पजामा पहना दीजिए कॉटन का, लेकिन उसे डायपर उस समय मत पहनाइए जब उसे रैशेस हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट है, जब भी आपको लगे कि बच्चे की स्किन रेड हो रही है, हल्का सा डायपर रैश शुरू हुआ है, उसी समय से बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ट्रीटमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसे डायपर नहीं पहनाना है पहली चीज़। और जब भी आप डायपर चेंज करें, आपको कोकोनट ऑयल बच्चे के अप्लाई करना है। कोकोनट ऑयल तो आप जब भी बच्चे को डायपर पहनाते हैं हर केस में अप्लाई करिए, तो आप देखेंगे कि डायपर रैश बच्चे को होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है कि और मार्केट में कई डायपर रैशेस क्रीम अवेलेबल हैं, जैसे सेबामेट की क्रीम काफ़ी अच्छी है डायपर रैश, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में डायपर रैश एकदम ठीक हो जाएगा। तो दिन में 3-4 बार आपको वो भी अप्लाई करनी है जिससे बहुत जल्दी डायपर रैश ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या करें जिससे डायपर रैश बच्चे को हो ही ना। तो सबसे पहला है कि जैसे ही बच्चा पॉटी करे, चाहे आप पब्लिक प्लेस में हैं या कहीं भी हैं, तुरंत डायपर को चेंज करिए। पॉटी के जरा सी देर भी अगर बच्चा रह जाता है और आप चेंज नहीं करते हैं डायपर को, तो तुरंत उसके रैशेज हो जाते हैं। सेकेंड है, 3 से 4 घंटे के बाद डायपर आपको चेंज करना ही करना है, भले ही वो ज़्यादा हैवी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप 3 से 4 घंटे में बच्चे के डायपर को चेंज करें। जो भी डायपर आप यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम अपने बच्चे के लिए पैम्पर्स के डायपर यूज़ करते हैं जो काफ़ी हमें अच्छे लगे। नेक्स्ट है, बच्चे का वेट के अकॉर्डिंग ही डायपर ख़रीदना है। अगर बच्चे का वेट 8 किलो है, तो जो मीडियम साइज़ का आता है जिसमें वेट मेंशन होता है 7 से 12 किलो के बच्चे के लिए, तो वही डायपर आपको बच्चे को पहनाना है। इसलिए अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग ही डायपर लीजिए, छोटा या बड़ा डायपर मत लीजिए। तो दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे टिप्स थे जो आपके बच्चे को डायपर रैश को कम करेंगे और बहुत जल्दी उसे हील करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।